आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। दुद्धी तहसील सभागार में वनाधिकारी पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय तहसील क्षेत्र के 855 लाभार्थियों को क्षेत्रीय विधायक राम दुलार, उप जिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह व नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश मोहन ने संयुक्त रूप से ऐसे लोगों को आवंटन पत्र वितरित किया जो वन भूमि पर कब्जा वर्षों से जमाए हुए थे। तहसील क्षेत्र के 3600 आदिवासियों को आवंटन पत्र वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें दुद्धी व म्योरपुर ब्लॉक के 1664, भवनी ब्लॉक के 1936 लाभार्थी शामिल रहे, जिसमें भवनी ब्लॉक के लाभार्थियों को 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम के दौरान वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राम दुलार ने कहा है कि वन अधिकार का पट्टा मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मिल रहा है। तमाम संगठन आदिवासियों को वर्गला करके धन उगाही कर रहे हैं। आप अपनी सुरक्षित रहें। क्षेत्र के जिन लोगों को पट्टा मिला है उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें पट्टा अभी तक नहीं मिला है और 13 दिसंबर 2005 से कब्जा किए हुए हैं वो भी वन भूमि खाली नहीं करेंगे। पट्टा हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। वन विभाग वन अधिकारी पट्टा वितरण में हमेशा टांग अड़ा रही है। वन विभाग भाजपा कार्यकर्ताओं का ट्रैक्टर सीज कर रही है और दूसरे से पैसा लेकर के अवैध खनन कर रही है। उन्होंने कहा कि घर पट्टा नहीं बटेगा, पट्टे का आवंटन पत्र कैंप लगाकर तहसील प्रशासन वितरित करे। वन विभाग करोड़ों का पौधा लगाकर धन का बंदर बांट कर रहा है। वन क्षेत्र से पौधे गायब हैं और कीमती लकड़ियों को कटवाने की भी उनकी भूमि संदिग्ध है। हम सभी का कर्तव्य है वनों को सुरक्षित रखें और हरे पेड़ पौधे ना काटें। उप जिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह ने कहा कि वन अधिकारी पट्टा आपका अधिकार है। अंग्रेजों के शासन काल में बने वन अधिनियम कानून के प्रावधानों से आप पट्टे लेने से वंचित थे। अब 2006 वन अधिकार कानून के तहत वन में रहने वाले लोगों से वन भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को वन अधिकार का पट्टा सुनिश्चित कर रहे उन्हें अधिकार दिलाने का प्रावधान किया गया। वन भूमि पर जिनका कब्जा उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा और न ही अतिक्रमण या अपराध की श्रेणी में आएगा। कार्यक्रम का संचालन तहसीलदार विजय शर्मा ने किया है। क्या नाम है आपका? गुलचू। कौन से गांव के हैं? खवरिया। तहसील प्रांगण में आए हैं, क्या वितरण हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मिल रहा है पट्टा। वन अधिकार के तरफ पट्टा वितरण हो रहा है। कितना मिला आपको? 2 बीघा। कितने का आवेदन किया था, दावा कितना किया था? 3 बीघा। तो कम कैसे मिला? पता नहीं क्या है कम। लेखपाल चाहे जो भी इसमें समिति बनी हुई थी जो आपको सत्यापन करके दिए, उन्होंने बताया नहीं कि आपको कितना मिल रहा है? नहीं बताया है? नहीं। क्या करेंगे आपको कम मिला है तो? क्या करेंगे? क्या उससे पूछना है? क्या नाम है आपका? लोकनाथ। कौन से गांव के? पगाड़ो। आज तहसील प्रांगण में वन अधिकार पट्टा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या था कार्यक्रम और आपको ये मिला है कागजात क्या है? ये धारा देश का वो पट्टा है बाप दर के जोधपुर का। कितना मिला, कितना आपने दावा किया था इसमें? हम ये था 10 बीघा था इसमें मिला है, 4 बिछा ही नहीं। ऐसा क्यों पता नहीं, सरकार का ऐसा नियम है कि जो ये आपको पट्टा वितरण किया गया है किन किन टीम के द्वारा गठित करके सर्वे करके पूरी जांच पड़ताल करके आपको दी गई है? ये वन विभाग का टीम और राजस्व विभाग का। तो जो आपको पट्टा वितरण किया गया है सरकार के द्वारा, सरकार के विधायक भी थे यहाँ पे, उनके हाथ से वितरण किया गया, तो क्या लग रहा है ये आपको जो दिया गया है वो आपके अनुरूप है या फिर आपके हिसाब से नहीं है? हमने संतुष्टि है कि नहीं? संतुष्टि इसमें नहीं है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।